फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब बात करने वाले हैं फिर से वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में एक बहुत ही तूफान मचाने वाली खबर निकल करके आ रही है, जिस बात का सबको इंतजार था कि फंड रेजिंग कैसे होगी, कब होगी, कहाँ से होगी, तो उसके ऊपर ही पूरी क्लैरिफिकेशन आ गई है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने फंड रेजिंग के ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान लॉन्च किया है, ना केवल प्लान, और यहाँ पे एजुकेशन कैसे होगा वो भी यहाँ पे घोषणा कर दी है। तो मुझे लगता है इसी के चलते कल हमें वोडाफोन आइडिया में भारी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे पूरी जानकारी पाने के लिए, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और यहाँ पे वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहना है। कल की बात करूँ, टाटा पावर, तीन PSU बैंक्स, भेल और IRCTC में ऑलरेडी वीडियो डाले हैं, इसमें भी बढ़िया खबरें निकल करके आई थी, तो उसको मैंने बताने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो को भी आप बिल्कुल देख सकते हो। हम फ्राइडे को यहाँ पे पहले सिचुएशन क्या थी उसको डिस्कशन कर लेंगे। 10 रुपये 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी, 5 पैसे डाउन जाकर के बंद हुआ था, 0.5% की यहाँ पे गिरावट के साथ वोडाफोन आइडिया की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी डाउन हुई थी सेकंड हाफ में, वो आप सबको पता ही होगा। पहले चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो भी देख लेते हैं और उसके बाद वो न्यूज पे लेके जाना चाहूंगा। इसके लिए मैं आपको पहले जूम आउट करके क्या सिचुएशन इमर्ज हो रही है यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखे एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ वोडाफोन आइडिया ट्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन जब भी ऊपर टूटेगी, हो सकता है कल ही टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी धमाकेदार खबर है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल संभव हो सकता है। हालांकि ट्रेंड लाइन का अभी जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा ऊपर है जहाँ पे क्लोजिंग है उससे, तो हो सकता है गैप डाउन भी कल ओपन हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सब पॉसिबिलिटीज की, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ है उसके चलते यहाँ पे पॉजिटिविटी तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पे मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, तो गारंटी तो किसी बात की नहीं होती। फिर आप काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपने तेजी का बोला था और कुछ कभी बार तेजी नहीं आती, तो लोग यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु जिस तरह की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर ही हम बात करना ज़्यादा पसंद है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहाँ पे तेजी कल निकल करके आ सकती है। अभी मैं जूम करके आपको कल के लिए लेवल टारगेट डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें क्लोजिंग 10 रुपये 25 पैसे के आसपास है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ अभी 10 रुपये 15 पैसे का यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। इस सपोर्ट को पकड़ करके आप प्ले कर सकते हो 10 रुपये 15 पैसे से नीचे, ऐसे लेकर के करंट मार्केट प्राइस में भी पोजिशन बना गया, परंतु यहाँ पे कल गैप अप हुआ तो आपके लिए सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, जिसको भी आपको याद रखना है। 10 रुपये 15 पैसे के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है आपको पोजीशन बनानी चाहिए थोड़ा सा नीचे एसएल लेकर के। आपके लिए यहाँ पे पहले टारगेट 10.5 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वहाँ पे निकल करके आ रहा है। अगर 10 रुपये 55 पैसे को फिर तोड़ देता है तो सीधा 10 रुपये 85 पैसे तक के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया तेजी हुई तो यहाँ पे 11 रुपये 20 पैसे के आसपास भी जा सकता है, पर हम इतना ज़्यादा ऊपर बात नहीं करेंगे। हाल फिलहाल में तो मुझे लगता है तेजी अच्छी आई, तो 10 रुपये 85 पैसे तक यहाँ पे कल भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पॉसिबिलिटी तो सभी बात की रहती है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि आपको तेजी देखने को मिलेगी, पर तेजी नहीं देखने को मिली, यहाँ पे गिरावट हुई किसी भी कारण से, तो 10 रुपये 15 पैसे का लेवल टूटा तो आप शॉर्ट साइड जा सकते हो। आपके लिए 9 रुपये 90 पैसे तक के लेवल नीचे की साइड कल इंट्राडे में मिल जाएंगे। RSI का लेवल 42 का है, 42.66, तो RSI का लेवल भी यहाँ पे ठीक ठाक है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा बहुत कमजोर नजर आ रहा है, जब ये 50 से ऊपर निकलेगा तो और मजबूती का संकेत आपको देखने को मिल सकेंगे। तो आपको यहाँ पे अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, और मैं हमेशा बताता हूँ आपको एक साइड बिल्कुल नहीं सोचना है, दोनों पहलुओं को आपको मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे इंट्राडे में पोजिशन बनानी है, और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपको पूरी तरह से समझना है। तो अपनी स्टडी के बेस के अनुसार कल यहाँ पे डिसीजन लिए, मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मैं हमेशा आपको टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, उस वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी प्राइम चैनल का लाभ लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीरो धार स्टॉक की, वहाँ पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो न्यूज़ है अभी जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो न्यूज़ फाइनली आपके सामने है, वोडाफोन आइडिया प्लान टू राइज
$750 मिलियन विया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे 5,500 करोड़ का यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान उसने अप्रूव कर लिया है, और वो ये जो फंड राइज करेगी वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करके करेगी। यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट निकल करके आ रहा है बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे। तो है ना दोस्तों धमाकेदार न्यूज, जिस चीज का सबको वेट था, हालांकि 15,000 करोड़ रुपये के आसपास का प्लान था, परंतु फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 5,500 करोड़ रुपये कैसे राइज करेंगे उसके ऊपर पूरा खुलासा मैनेजमेंट ने कर दिया है। वोडाफोन इंडिया लिमिटेड अ जॉइंट वेंचर बिटवीन, आपको पता होगा, वोडाफोन पीएलसी ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप का जॉइंट वेंचर है, दोनों प्रमोटर्स हैं। इस प्लानिंग टू राइज $750 मिलियन अबाउट 5,500 करोड़ विया कन्वर्टेबल बॉन्ड टू रीपे एडजस्टमेंट ग्रॉस रेवेन्यू, क्योंकि 31 मार्च को उसको AGR पे करना है लगभग, वो भी 5,000 करोड़ के आसपास का है, एज अ स्पेक्ट्रम फीस टू द गवर्नमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे AGR का भुगतान करना है, जिसके चलते यहाँ पे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर के द्वारा यहाँ पे ये पैसे राइज करेंगे। द फॉलोइंग द बोथ प्रमोटर विल सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट देयर स्टेक इन द कंपनी। तो दोस्तों जो ये प्रोसेस होगी पैसे राइज करने की, इसके चलते यहाँ पे कम दोनों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है कंपनी में वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगी, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू बैंकर क्लोज टू दे डेवलपमेंट वी आई द थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन द कंट्री हैज इनिशिएट टॉक विद द इन्वेस्टर टू राइज द फंड एंड बॉन्ड विल बी लॉन्च एट एनी टाइम इन नेक्स्ट। तो दोस्तों कभी भी ये बॉन्ड लॉन्च हो सकते हैं यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। मुझे लगता है कल इस न्यूज़ के चलते बढ़िया तेजी बिल्कुल होनी चाहिए, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्रमोटर यहाँ पे अपना स्टेक है और डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि कम करेंगे यहाँ पे बॉन्ड इश्यू करके। पर कुछ भी हो, जो पैसे चाहिए वो तो मिलने ही वाले हैं, तो इसी के चलते मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो कल आपको तेजी के लिए बिल्कुल तैयार रहना है सोमवार को। जाते जाते हम यहाँ पे जो कारोबार की सिचुएशन थी वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड NSE की वेबसाइट पे 10.25 रुपये पे क्लोजिंग, 5 पैसे डाउन, 0.5% की गिरावट। क्वांटिटी की बात करें 18,54,63,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 4 करोड़ शेयर की डिलीवरी है, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग 22% की है। तो यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली थी। तो दोस्तों आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी अगर आपने माल लेकर के रखा है, और यहाँ पे जो चिंतित है वोडाफोन आइडिया में गिरावट के चलते उसके लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।